नमस्कार दोस्तों, मैं पायलट सुमित एक बार फिर से है आप सभी के सामने एक नई वीडियो, एक नई जानकारी। तो आज की जो वीडियो है वो आपके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, रेलवे भर्ती बोर्ड विज्ञापन संख्या जो आपकी ALP एंड टेक्नीशियन के लिए, सहायक लोको पायलट एंड टेक्नीशियन की परीक्षा सूचना। जैसा कि आपके पास में इसकी जानकारी आ चुकी हो शायद, लेकिन फिर मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आप तक पहुँच सके ये वीडियो। तो बात करनी है कि एग्जाम की डेट के बारे में, जो कि सबके लिए डाउटफुली चल रहा था क्या डेट है। तो इसमें जो डेट आ चुकी है रेलवे की तरफ से, तो एक बार आप इसको देख लेते हैं, बाकी ये इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा। जैसा कि आपको ये देखने में पता चल जाएगा, जो भी मैं इसको पढ़ूंगा तो मैं आपको अपनी इस रिकॉर्डिंग में पढ़ते हुए थोड़ा सा बात करते हैं इसमें। तो रेलवे भर्ती, भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड विज्ञापन संख्या, जो एम्प्लॉयमेंट का नंबर था, रोजगार सूचना संख्या, विज्ञापन संख्या 01/2018। तो सहायक लोको पायलट व टेक्नीशियन परीक्षा सूचना प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा, यानी ये आपका CBT जो है, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होगा CBT, वो उसके जो है फर्स्ट टेस्ट की जानकारी के लेके हैं। तो विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डों द्वारा सहायक लोको पायलट एवं टेक्नीशियन यानी टेक्नीशियन परीक्षा का आयोजन दिनांक 9 अगस्त 2018 से आरंभ होगा। 9 अगस्त जो है आपकी फर्स्ट डेट है जो एग्जाम होने की, तो 9 अगस्त 2018 से आरंभ होगा। परीक्षा हेतु आवेदक अपने रोल नंबर दिनांक 5 अगस्त से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो 9 अगस्त से एग्जाम की, जो भी आपकी एग्जाम स्टार्टिंग है, उसके लिए आपको, अगर आपको अपना रोल नंबर जानना है और आपको एडमिट कार्ड की जानकारी चाहिए, तो आपको 5 अगस्त से यानी उससे 4 दिन पहले शुरुआत कर दी जाएगी। 5 अगस्त से रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा का रोल नंबर परीक्षा दिनांक से 4 दिन पूर्व भी वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है, जैसा कि मैंने अभी बात की, 4 दिन पूर्व। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, यदि किसी आवेदक की परीक्षा दिनांक 25 अगस्त है, किसी की, जैसे जैसा यहाँ बात की गई 9 अगस्त से स्टार्टिंग है, तो किसी की जो है एग्जाम की डेट आती है 21 अगस्त है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि किसी आवेदक की परीक्षा दिनांक 25 अगस्त है, तो वह दिनांक 21 अगस्त से 25 अगस्त तक ही अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकता है, तो जो उसकी जानकारी उसको मिलेगी, यानी कि एग्जाम डेट से 4 दिन पहले मिल जाएगी। किंतु आवेदक अपनी परीक्षा तिथि की दिनांक 5 अगस्त 2018 से कर सकते हैं, यानी यहाँ ये जो बात है, जो आपको 9 अगस्त से, तो आपको जो यहाँ पे, यानी 5 अगस्त को आपको, अगर आपका 9 अगस्त का एग्जाम है, तो आपको एडमिट कार्ड की जो भी रोल नंबर है, आपकी जानकारी आपको 5 अगस्त को मिलना शुरू हो जाएगी, 5 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जिसका 9 अगस्त के बाद में एग्जाम है, तो उसके लिए तो 5 अगस्त से स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन उसको ये जानकारी मिल जाएगी कि उसको जो है एग्जाम डेट क्या है। तो यहाँ यही बात की गई है कि आपको जो, किंतु आवेदक अपनी परीक्षा की तिथि की दिनांक 5 अगस्त 2018 से चेक कर सकते हैं। परीक्षा में जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, अगर बात की जाए, तो 75 जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आवेदक को 60 मिनट से 1 घंटा मिलेगा, और रॉन्ग आंसर यानी गलत, या ऑब्जेक्टिव टाइप में जो भी आपने आंसर दिया है वो गलत देने पर आपको माइनस पॉइंट कर दिए जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, और नेगेटिव मार्किंग का जो परसेंटेज की जाए तो 1/3 किया जाएगा, तो यानी कि आपको 1/3 मार्किंग जो आपकी माइनस होगी। तो यहाँ आते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, तो नंबर ऑफ पोस्ट ALP और टेक्नीशियन की मिला के टोटल पोस्ट हो रही है 26,502, और जिसमें ALP की पोस्ट आ रही है 17,673 है, और टेक्नीशियन की बात की जाए तो 8,829 है। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स की बात की जाए, इन दोनों के लिए एक ही सब्जेक्ट्स है, एक ही तरह का एग्जाम होगा। तो वो जो है आपके सब्जेक्ट्स के जो नियरेस्ट आपके 75 क्वेश्चन हैं, उनमें आपके होंगे मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस करेंट अफेयर्स की। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जो भी आपका सब्जेक्ट होने वाला है, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंसी, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस ऑन करेंट अफेयर्स। तो ये जो है ये आपके सब्जेक्ट्स हैं जिसकी आपकी इसमें बात की, एग्जाम में आएंगे। तो ये सब्जेक्ट्स की हो गई, बाकी बात हो गई डेट की, जो कि 9 अगस्त से शुरुआत हो चुकी है, और जो कि आपकी जानकारी आपको 5 अगस्त से मिल जाएगी आपकी एग्जाम डेट की। जब एग्जाम डेट आपको मान लीजिए कि 25 अगस्त है, तो आपको 21 अगस्त से उसकी रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। साथ ही साथ एक नोट यहाँ लिख के दिया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा ग्रुप डी पदों की परीक्षा सितंबर व अक्टूबर माह में लिया जाना संभावित है। तो जो ग्रुप डी के लिए नोटिफिकेशन निकला था साथ ही साथ, है ना, तो जिसके लिए तिथियों की घोषणा शीघ्र ही रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर की जाएगी, अतः आवेदक लगातार वेबसाइट की जांच करते रहें। तो ये थी ग्रुप डी की साथ के साथ जो नोटिस आया हुआ है। तो इसी के साथ नहीं वीडियो समाप्त करते हैं, बाकी अगर आपकी कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में जवाब देने की। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेन चीज़ थी यहाँ पे कि आपकी जो सब्जेक्ट्स को लेके
और ये जो आपका एग्जाम है आपको सीवीटी टाइप का है, कंप्यूटर टाइप का ही है, तो थोड़ा बहुत सा कंप्यूटर माउस पकड़े जिसको नहीं आता तो प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना। कहीं कई बार होता है कि हम लोगों ने OAMR सीट की तरह की प्रैक्टिस करी है, कई होने जैसे जिसको कंप्यूटर नहीं आता उसके लिए, कि आपका पेपर ईजी होकर भी टफ हो जाएगा। तो चैनल पर बने रहने के लिए आपका सभी का तहे दिल से शुक्रिया, और वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।